दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज ये डॉक्टरों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर अस्पताल कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट मार्च किया। हड़ताल का मरीजों के इलाज पर सीधा असर पड़ रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आरडीए डॉक्टरों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर अस्पताल कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट मार्च किया। अस्पताल के 1600 डॉक्टरों के हड़ताल का असर सीधे मरीजों पर पड़ रहा है। ये डॉक्टर मरीज के परिजनों द्वारा पिटाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा ये कहना है कि अभी तक भी हमें कोई भी जो हमारी डिमांड थी उस पर कोई भी सुनवाई नहीं है। अभी कोई भी मीटिंग नहीं हुई ऑफिशियल हमारी इस पर, तो इसीलिए अभी हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब के पास आए हैं, जिससे कि हम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको बता सके मिलके। और हमारी डिमांड यही है कि हमें सेक्रेटरी हेल्थ से मिलना है, बिकॉज वही इस प्रॉब्लम का हमारे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अंडर परव्यू में ये नहीं आता इस चीज को, जो हमारे डिमांड्स है गार्ड्स बढ़ाने की या और भी जो रिलेटेड इश्यूज हैं इसमें, वर्किंग आवर्स इतना ज्यादा, ये सारी दिक्कतें हैं। इस चीज का डिमांड को जो हमारा एड्रेस है सेक्रेटरी हेल्थ ही कर सकती है, तो हमें यहाँ से एक ही याचना रहेगी, प्रार्थना रहेगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से कि वो हमें मेडिकल सेक्रेटरी हेल्थ से मिलवाए। रविवार सुबह में जिस मरीज ने डॉक्टरों को घायल किया था वो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल वीरेंद्र का लड़का था, जिसकी पोस्टिंग अस्पताल के चौकी पर ही है। डॉक्टरों का आरोप है कि पिता के पुलिस का रौब दिखाकर आरोपी मरीज अक्षय झगड़े के दौरान पुलिस चौकी से डंडा लेकर आया था। वहीं झगड़े के दौरान कांस्टेबल विनोद भी वहां पर मौजूद था और मारपीट करने वालों का साथ दे रहा था। हालांकि प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर हेड कांस्टेबल वीरेंद्र और विनोद दोनों को सस्पेंड कर इंक्वायरी गठित कर दी है। उसको भी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा के काउंटर एफआईआर करके, ये साजिश है पुलिस की, तो इस साजिश से हम डरने वाले नहीं है और झुकने वाले नहीं है, और इंसाफ हमें चाहिए। और हमें गिरफ्तारी अभी से अभी तक नहीं किया पुलिस ने, ये काफी शर्मनाक चीज है, और कोई भी एक्शन पुलिस नहीं लेने को तैयार थी। ये सिर्फ मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर केटी भौमिक जो कल ऑफिशिएटिंग एमएस थे, उन्होंने वहां पे डीसीपी से बात करके और तब मतलब एफआईआर लॉन्च कराई, क्योंकि वो तो तैयार भी नहीं थे एफआईआर तक लॉन्च करने के लिए। सफदरजंग के डॉक्टर सुरक्षा को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। देखना ये है कि अस्पताल प्रशासन इनकी मांगों को कब पूरा करता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों के इस हड़ताल से मरीजों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। राकेश सोनी, टोटल न्यूज, दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल सीधे मरीजों पर इसका असर पड़ रहा है। एक्सीडेंट के बाद भर्ती हुए एक मरीज की मौत हो गई और परिजनों का आरोप है कि इलाज ठीक से नहीं मिलने से मौत हुई है। सफदरजंग में डॉक्टरों की हड़ताल ने एक और युवक की जान ले ली। जी हाँ, एक्सीडेंट में घायल 19 साल के एक युवक को शनिवार की रात सफदरजंग एडमिट किया गया था। युवक के परिजनों का आरोप है कि हड़ताल के चलते डॉक्टरों ने ठीक से उसका इलाज नहीं किया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। और हैरानी की बात यह है कि हड़ताली डॉक्टरों की प्रेसिडेंट इसे विधि का विधान मान रहे हैं। ये तस्वीर है कृष्ण मुरारी की, गुड़गांव के पास के गांव का रहने वाला है। शनिवार की रात को एक्सीडेंट हुआ था। गुड़गांव में डॉक्टरों ने इसे सफदरजंग भेज दिया था। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय डॉक्टरों ने शुरू से ही इलाज में आनाकानी की। उनका आरोप है कि मरीज तड़पता रहा लेकिन उसे सही तरीके से इलाज मुहैया नहीं कराया गया। जब लेके आए थे ना तो हड़ताल नहीं था, शनिवार को रात को लेके आए थे और उसके बाद कल मॉर्निंग में हड़ताल पे सारे डॉक्टर धरना दे रहे थे। अब भी हम लोग ट्रांसफर कराने के लिए कर रहे हैं, रेफर कर दो रेफर कर दो, तो नहीं 2 घंटा और 4 घंटा और ऐसे कर करके। मैं जब भाई के साथ कल जब हॉस्पिटल में जिसके डॉक्टरों का जब हंगामा हुआ, जो भी हमारे पीठ डॉक्टर, तो उसके बाद मैंने अपने भाई के बारे में काफ़ी डॉक्टरों को कहा कि भाई हमारा भाई के इलाज करिए नहीं करिए, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे करते करते रात हो गई, शाम में उन्होंने 5 नंबर बिल्डिंग के ऊपर भेज दिया। वहाँ पर रात भर वो बहुत तड़पाए, पूरे रात तड़पाए, काफ़ी डॉक्टरों को कहने के बावजूद कि भाई हमका भाई तड़प रहा है, तो वो कह रहा है ऐसे ही जिंदा होता है आदमी और ऐसे ही मरते हैं, बस यही शब्द कहते थे और कहते थे जितना तड़प रहा उतना अच्छा है और ये ऐसे में ही ठीक होगा, इससे ज्यादा नहीं है। मातम में रो रहे इस परिवार का आरोप है कि एक झगड़े के कारण उनके बच्चे की जान चली गई। इसका जवाब कौन देगा?
जिस झगड़े की बात कर रहे हैं उस समय उसके परिजन वहीं थे। उनका कहना है कि डॉक्टर जिस झगड़े की बात कर रहे हैं उस वक्त डॉक्टरों ने भी आरोपी लड़के को खूब पीटा था। हैरान कर देने वाली बात ये है कि जब हमारे संवाददाता ने आरडीजे के प्रेसिडेंट से इस मौत के बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि ये तो विधि का विधान है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अस्पताल में एक तरफ मरीजों की मौत हो रही है तो दूसरी तरफ 1600 आरडीए डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसके बाद भी ना तो प्रशासन की नींद खुल रही है और ना ही सरकार कोई कदम उठा रही है। राकेश सोनी, टोटल न्यूज़, दिल्ली।